बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लूजर्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को दिखाया जाता है जिस टीम का नाम द लूजर्स है। इस टीम में क्ले, रॉक, पू, जेनसन और कूगर होते हैं। इन सबको बोलिविया में एक मिशन के लिए भेजा जाता है जिसमें इन्हें एक ड्रग डीलर के अड्डे को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। अभी सबके सब उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ड्रग डीलर्स ने गुलाम बनाकर यहां पर रखा हुआ होता है। इसीलिए अब ये इस मिशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पर तभी मैक्स नाम का आदमी जो इन्हें रेडियो पर लीड कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। इसीलिए सबके सब पीछे से हमला करते हैं और इस पूरी गैंग और इनके लीडर को मारकर बच्चों को बचा लेते हैं। अब जो हेलीकॉप्टर इन पांचों के लिए आया होता है, ये उस हेलीकॉप्टर में बच्चों को बिठाकर यहाँ से भेज देते हैं। और अगले पल ये देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में, जिस हेलीकॉप्टर में इन्हें यहाँ से ले जाया जाना था, जिसमें अब बच्चे हैं, उससे एक मिसाइल टकराती है और सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये सब समझ जाते हैं कि ये सब इन्हें मारने की साजिश थी। इसीलिए जिस जगह हेलीकॉप्टर गिरता है, ये सब वहां पर अपनी चीजें छोड़ते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर सिक्योरिटी को पता चला कि ये जिंदा है तो इन्हें किसी भी तरह से मार दिया जाएगा। पर अब ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि बोलिविया से निकलने के लिए ना तो इनके पास इनके आईडी कार्ड्स हैं और ना ही पैसे। इन्हें यहाँ पर 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। एक दिन क्ले के पास एक मिस्टीरियस गर्ल आती है जिसका नाम आयशा होता है। आयशा क्ले के पास आती है और उससे क्लोज होने की कोशिश करती है। क्ले आयशा को होटल में ले जाता है। आयशा वॉशरूम जाती है और अपनी गन छुपाकर अपने साथ लाती है, जिसके बारे में क्ले को पता चल जाता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आयशा भी एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है जो देखकर क्ले इंप्रेस हो जाता है। वो आयशा से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। आयशा बताती है कि मैं भी मैक्स से बदला लेना चाहती हूँ, तुम उसे मेरे हवाले कर दो। बदले में मैं सिर्फ ना तुम्हें इस देश से निकालूंगी बल्कि मैं तुम्हारी जॉब, तुम्हारी पोजीशन भी तुम्हें वापस दिला दूंगी। अभी सब के सब एक जगह मीटिंग करते हैं जहां पर क्ले के बाकी साथी भी आते हैं। एलिसन इन सबसे कहती है कि तुम मेरा काम कर दो, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम सबको तुम्हारी कंट्री वापस भिजवा सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस दिला सकती हूँ। और वैसे भी जिस मैक्स से तुम बदला लेना चाहते हो, किसी भी हाई सिक्योरिटी को यकीन नहीं है कि मैक्स नाम का आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे यकीन है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये सब के सब आयशा की बात मान जाते हैं। आयशा इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस ले आती है। वही मैक्स को दुबई में दिखाया जाता है जो एक आदमी से बहुत बड़े हथियार की डील करता है, जिस हथियार को ये एक आइलैंड पे टेस्ट करते हैं। उस हथियार से पूरा का पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है और ये हथियार ये चाइना को बेचना चाहते हैं। वहीं आयशा की पूरी टीम को दिखाया जाता है जहां पर रोक आयशा से पूछता है कि तुम्हारी मैक्स के साथ क्या दुश्मनी है। आयशा कहती है कि मैक्स एक बहुत बड़े हथियार की डील करने वाला है और मैं चाहती हूँ कि हम उसे रोकें और इसे रोकने में तुम मेरी मदद करोगे। हालांकि यहाँ पर रोक को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उस पर गन तान कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर क्ले उसे ऐसा करने से रोकता है। रोक कहता है कि अगर हम इसकी वजह से फंसे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये सब के सब एक जगह जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक ट्रक जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, उसके आगे एक गाड़ी भी है। इन्हें शक होता है कि हो ना हो इसके अंदर मैक्स है। ये उस गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देते हैं और सब के सब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी इनमें से एक शार्प शूटर ऊपर से गाड़ी पर निशाना लगाता है जिससे मैक्स का आदमी बाहर निकलता है। उन्हें पता चल जाता है कि दुश्मन उनके आसपास है जो उन पर हमला करने वाले हैं, और तभी ये उनके ऊपर धुएं वाला बॉम्ब फेंकते हैं। ऊपर से आयशा अपने साथी के साथ हेलीकॉप्टर लेकर आती है और उस गाड़ी को जिसके अंदर हथियार है उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। साथ ही जिस गाड़ी में इन्होंने ट्रैकर लगाया होता है उस गाड़ी को ये ब्लास्ट कर देते हैं। अभी सब के सब एक जगह मिलते हैं जहां पर ये उस गाड़ी को ले आते हैं जिसके अंदर हथियार है। क्ले जैसे उसका दरवाजा खोलता है अंदर से सोल्जर्स निकलते हैं और इससे पहले कि वो क्ले को मारते, क्ले के सभी साथी उन्हें बेहोश कर देते हैं। अंदर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने के बाद इन्हें एक हार्ड ड्राइव मिलती है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव पूरी तरह से लॉक्ड होती है और बिना हैक किए इसे नहीं खोला जा सकता। ऐसे खोलने के लिए इसके कोड्स की जरूरत होगी। यहाँ पर सबको समझ आ जाता है कि आयशा ने इन सबको धोखा दिया, वहां पर मैक्स था ही नहीं, दरअसल वो इसी हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती थी। आयशा के इस झूठ से सबको गुस्सा आ जाता है, वो आयशा को बांध देते हैं। आयशा इन्हें कहती है कि तुम देखना नहीं चाहोगे कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या है। ये सच है कि मुझे पता था कि मैक्स वहां पर नहीं होगा, लेकिन मुझे पता था कि मैक्स अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस ट्रक के अंदर ले जा रहा है। हमें इस हार्ड ड्राइव को डिकोड करके देखना चाहिए। जेनसन कहता है कि इसे डिकोड करना इतना आसान नहीं है,
इसके लिए हमें इसके एल्गोरिथम की जरूरत है जो उसी कंपनी से मिल सकती है जिस कंपनी ने इस हार्ड ड्राइव को बनाया है। क्ले एक बार फिर से आयशा के ऊपर भरोसा करना चाहता है पर रोक उसे मारने की कोशिश करता है। क्ले कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि जिस आदमी ने 25 बच्चों को मारा था हमें उससे किसी भी तरह से बदला लेना है और हो सकता है कि इस हार्ड ड्राइव के अंदर हमें कोई ना कोई सबूत मिले। लेकिन रोक कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ आयशा को मारना चाहता है। क्ले उसे एक पंच मारता और कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन रोक कहता है कि मैं कहां जाऊं, हम सब के सब फंस चुके हैं। क्ले उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ऑर्डर देता है कि आयशा को खोल दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मैक्स को दिखाया जाता है जिसे उसका आदमी बताता है कि 4 महीने पहले तुमने द लूजर्स की टीम को एक मिशन के लिए भेजा था जिसमें उन्हें कुछ लोगों को मारना था। हालांकि बाद में तुमने द लूजर्स की टीम को मारने का ऑर्डर भी दिया, हम सबको लगा कि वो मारे गए लेकिन वो सब के सब बच गए। उन्हीं लोगों ने हम पर हमला किया था और तुम्हारी हार्ड डिस्क उनके ही पास है। मैक्स उस हार्ड डिस्क को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है। वहीं रोग के लिए और उनके साथियों को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठकर उस कंपनी की तरफ जा रहे हैं जिस कंपनी ने उस हार्ड ड्राइव को बनाया है। यहाँ पर रोक और क्ले आपस में एक बार फिर से समझौता कर लेते हैं और अब जेनसन उस कंपनी के अंदर जाता है। दरअसल यहाँ पर वो सिस्टम रिपेयर करने वाला बनकर गया होता है जो रिसेप्शनिस्ट को अपनी बातों में लगाकर उसके केबिन के अंदर चला जाता है और मौका देखकर सारे डेटा को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता सिक्योरिटी उसे घेर लेती है, लेकिन दूर से इनका शार्प शूटर उन सिक्योरिटी वालों पर निशाना लगाता है और जेनसन सारा डेटा लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ये उस डेटा की मदद से हार्ड ड्राइव को खोलते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि हाल ही में मैक्स के अकाउंट में $400 मिलियन ट्रांसफर किए गए हैं और ये ट्रांसफर किए गए हैं सोनिक न्यूक्स इको फ्रेंडली सोनिक बॉम्ब के बदले, यानी कि वो इस तरह के किसी बॉम्ब का सौदा कर चुका है। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में बोलीविया में जिस ड्रग डीलर को ये मारने के लिए गए थे उस ड्रग डीलर को मैक्स के पूरे प्लान के बारे में पता था, इसीलिए उसने उसे मरवाया। और इनके साथ जो आयशा है ये उसी ड्रग डीलर की बेटी है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है और जब इन्हें बात पता चल जाती है तो ये आयशा पे फायरिंग करते हैं। लेकिन आयशा यहाँ पर किसी तरह से जेनसन को जख्मी करके भाग जाती है। इन्हें डेटा से मैक्स के अड्डे के बारे में पता चल जाता है जो लॉस एंजलस इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ एंट्री है और ये फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द ये उस जगह पर अटैक करेंगे और मैक्स को मार देंगे। सब के सब वहां पर पहुंच जाते हैं और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन तभी जेनसन को कुछ सोल्जर्स आकर घेर लेते हैं। अब क्ले और रोक उस जगह जाते हैं जहां पर बहुत सारे पैसे होते हैं और तभी यहां पर मैक्स का राइट हैंड जिसके साथ रॉक मिला हुआ है वो आ जाता है। दरअसल इसका रॉक ब्रदर इन लॉ है। ये क्ले से हार्ड डिस्क लेकर मैक्स के राइट हैंड को दे देता है। अब क्ले को इन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है और तभी यहाँ पर आयशा आ जाती है। आयशा इन तक पहुंच जाती है और क्ले से पूछती है कि तुमने मेरे पिता को मारा था। वो कहता है कि हाँ, वो एक मिशन था और वैसे भी तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, आयशा उन सब को मार देती है। दरअसल उसे पता होता है कि उसके पिता एक गलत इंसान थे लेकिन फिर भी वो अपने पिता की मौत का बदला मैक्स से लेना चाहती है और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मैक्स डील कर रहा होता है। इनके बीच में गन फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्ले और रॉक भी एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन रॉक क्ले की आंख को जख्मी करके प्लेन से यहाँ से भागने लगता है। दरअसल इस प्लेन के अंदर मिलियंस डॉलर्स है, इसीलिए मैक्स का जो राइट हैंड है वो उसे रोकने के लिए सामने से मोटरसाइकिल से आता है और ठीक उसी वक्त क्ले अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि उसकी मोटरसाइकिल पर शूट करे। वो उसके मोटरसाइकिल के इंजन पर शूट करता है जिससे उसकी मोटरसाइकिल उस प्लेन से टकराती है जिसमें रोग पैसे लेकर भागना चाहता है। प्लेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से रोग की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्ले उस वैज्ञानिक को मार देता है जिसने इस इको न्यूक्लियर मिसाइल को बनाया है। यहाँ पर क्ले को पता चलता है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए किया जाएगा ताकि इससे कोई एक देश जिसके पास ही होगी वो पूरी तरह से पावर में आ जाए। वहीं मैक्स अब यहाँ से भागने लगता है लेकिन क्ले उसके सामने आ जाता है। वो उसके कंधे पर गोली चलाता है। मैक्स उसे बताता है कि मैंने मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया है, कुछ ही देर में पूरा का पूरा लॉस एंजलिस पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे मार दो या मिसाइल को डीएक्टिवेट कर दो। और वो मिसाइल को डीएक्टिवेट करने का रिमोट पानी में फेंक देता है। क्ले उसे छोड़ देता है और पानी में रिमोट को लेने के लिए कूद जाता है। उसे रिमोट मिल जाता है जिससे वो मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद क्ले अपने साथियों को बताता है कि उसने मैक्स का चेहरा देख लिया है, बहुत जल्दी वो उसे ढूंढ लेंगे। मैक्स आयशा को भी अपने साथ चलने को कहता है लेकिन आयशा मना कर देती है और वो अपने अलग रास्ते निकल पड़ती है। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि क्ले और उसकी पूरी टीम एक मिशन पर है और तभी इन्हीं के एक साथी पूज को कॉल आता है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है जो कि प्रेग्नेंट है। ये किसी तरह से पूज को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं जहां पर उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है जिससे पूज को बहुत खुशी होती है। लेकिन अब
अब भी इस ग्रुप का जिसका नाम द लूजर्स है उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये सब किसी भी तरह से मैक्स को पकड़ना चाहते हैं ताकि ये अपना और उन 25 बच्चों का जिन्हें मैक्स ने हेलीकॉप्टर में मरवाया था उनका बदला लेना चाहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।